इतने सारे कपड़े सुखाने और कुछ पूरी छत हो गई है ऐसी। प्लीज गाइस की जरा रोड में चल। मुख्यमंत्री बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस दिन की शुरुआत हो चुकी है, 1 बजे सुबह के 10:30 और मैं हो गया नहा धो के रेडी। और आज थोड़ा घर का काम वगैरह करना है, थोड़े कपड़े वपड़े सुखाने डालने हैं क्योंकि मौसम थोड़ा वैसे हो रहा है, तो जाड़े आने वाले गर्मी के कपड़े सुखाने डालते हैं। और टॉम और मम्मी आ गई है कपड़े ले गए, तो सुखाते हैं पहले, घर का काम वगैरह करते हैं, फिर देखते हैं कहीं जाने का प्रोग्राम बनता है तो बताते हैं आपको भी। और टॉम भी सेक रहा है धूप, तो देखते हैं अभी और बताते हैं आपको। तो गाइस हमने डाल दिए सारे कपड़े सुखाने और कुछ पूरी छत हो गई है ऐसी, कपड़े कपड़े हो गए छत में। मम्मी अभी भी डाल लिए कपड़े, तो जाड़ा आने से पहले इन कपड़ों को सुखा लेते हैं, नहीं तो महक आती है इनमें से, तो सुखाते हैं। और अभी बिस्तर वगैरह भी डालना है थोड़ा सुखाने, तो मिलते हैं आपसे अभी। और गाइस थोड़ा आपका आगे का व्यू दिखाते हैं अपने आगे का, और आज बड़ा मस्त मौसम हो रहा है तो दिखाते हैं आपको। बस टॉम आ गया है अंदर कमरे में क्योंकि बाहर लग रही से बड़ी धूप, बट अभी चले चले आओ। तो गाइस खाना तो बन चुका है और अब खाना खाते हैं, और आज खाने में क्या है देखते हैं पहले फिर। तो गाइस खाने में आज चावल और आलू बड़ी की सब्जी, तो फटक से खा लेते हैं। तो गाइस वासु आ गया स्कूल से और ये दोनों लड़ने लग गए दोबारा से। टॉम तो गाइस आप कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, सोच रहे टॉम काटेगा, पर ये दोनों खेलते हैं ऐसी। और टॉम हमारा बढ़िया आदमी है, टफी बैठ जा। तो टॉम तो लग गया खेलने, तू जा रहा है ट्यूशन, तू कितने बजे जा रहा ट्यूशन से? तो ऐसे करता है इसको फिर मारो। ये आ रहा है ट्यूशन और ये पता नहीं कब आएगा, और ये दो फिर दोनों लड़ रहे हैं। अब मेरे ख्याल से मम्मी से पिटेगा वासु क्योंकि बहुत लड़ने दोनों, मम्मी आने वाली है। तो गाइस हमने डाली है बड़ी सुखाने और हमारा टॉम कर रहा है चौकीदारी कि बंदर अंदर आए ना। और मौसम तो आज बढ़िया, बेहतरीन मौसम। और शंकर भाई कर रहे हैं हाय, तो देखते हैं अभी क्या है प्लान। आज तो दिन भर कपड़े सुखाते रह गए, घर से जा नहीं पाए और लाइट भी नहीं है। शाम को देखते हैं, अगर शाम को घूमने का प्लान बनता है तो बता। तो गाइस अब चले गए ये धूप, तो फटक से सारे कपड़े वगैरह उठा लेते हैं और इसके बाद हम चलते हैं इंटर कॉलेज को, और शायद करण आएगा मेरे साथ, तो देखते हैं अभी बताते हैं आपको आगे का प्लान। तो पहले हम उठा लेते हैं सारे कपड़े क्योंकि धूप चले गई है। तो गाइस अब हो चुकी है शाम और अब चलते हैं हम घूमने, देखते हैं कहाँ जाते हैं, या मतलब वॉक पर जाते हैं शाम को, देखते हैं अभी इंटर कॉलेज को चलेंगे ग्राउंड को खड़गाम या फिर कोलाबार रोड को, देखते हैं मिलते हैं आपसे। तो गाइस करण भाई आ चुके हैं और अभी हम चलते हैं घूमने, और करण भाई ने हमें दिया है सेंटर फ्रेस। अच्छा हमको सिखा दिया है करण भाई, कह रहे बहुत महंगा है। तो तो गाइस हम परसों गए थे इधर को इस वाली रोड को रौसिला, और आज जा रहे हम गोलापार वाली रोड को, और यहाँ के व्यू दिखाएंगे आप। हम आ चुके हैं गोलापार वाली रोड को, और यहाँ पर एक सर्किट हाउस, और ये यहाँ पे सब नेता वगैरह आते हैं यहाँ पर को, मुख्यमंत्री का। तो आपको दिखाता हूँ सही से अभी। गाइस ये है कुछ टाइप का सर्किट हाउस, और ये बहुत बड़ा एरिया में। तो अभी आगे को चलते हैं, और यहाँ पर को मतलब मेरे ख्याल से सरकारी क्वार्टर वगैरह है यहाँ पर को, और आगे को चलते हैं देखते हैं कुछ सीन। तो गाइस इधर साइड को आते हैं, हाथी वगैरह तो यहाँ पर को बोर्ड भी लगाया है, तो हमें सावधानी से चलना पड़ेगा कि रास्ते में हाथी ना दिख जाए हमें। तो गाइस चलते चलते आ गए करण भाई और मैं सीआरपीएफ कैंप के यहाँ पर को, और अभी चलने आगे को और चलते हैं। और ये है कुछ सीआरपीएफ कैंप, बहुत बड़ा हुआ है, मतलब 3-4 किलोमीटर के तो उस रेंज में हो गए पूरा,
आगे को चलते हैं। गाइस हम सीआरपीएफ कैंप पे यहाँ पर को तो पहुँच चुके हैं। पीछे देख लोगे बहुत बड़ा सीआरपीएफ कैंप है, 3-4 किलोमीटर के एरिया में है। और अभी हम चल रहे हैं आगे को और थक गए और चल। अभी हम जा रहे थे और हमें रास्ते में मिला एक डॉग और अभी करण भाई और मैंने उसे साइड में रखा है। और प्लीज़ गाइस की जरा रोड में चलते हो तो जरा आराम से चला करो, जानवर वगैरह भी दिखते हैं। और अभी करण भाई और मैंने उसे साइड में रख रखा है, क्या दिखाऊँ आपको उसे, तो कितना सेफ चले रोड पर और देखें कि कोई रास्ते में चल रहा है तो सेफ करो उसे जानवर को। तो गाइस करण और भाई और मैंने रख दिया है, अब हम आगे को चल रहे हैं। और अभी हमने कह दिया एक भैया से, भैया से हमने कह दिया है, वो कह रहे थे अभी हम देख लेंगे करके उन्हीं का डॉग था, तो अभी ले जाएंगे। और अभी हम चलते हैं आगे को और दिखाते हैं कुछ व्यू। तो हम पहुंच चुके हैं कालीचरण मंदिर के गेट पे और इसके बाद अब चलेंगे घर को वापस। अब चल रहे हैं घर को और मंदिर को चलते हैं पहले, देखते हैं फिर आगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।